एवरीबडी एज वीव स्टार्टेड अ सीरीज फॉर इकॉनमी जिसमें कि वी आर गोइंग टू कवर द इकोनॉमी इन द नेक्स्ट टेन डेज जो कि काइंड ऑफ अ क्रैश कोर्स है एंड ये स्पेसिफिकली प्रिलिम्स के लिए आई हैव डिजाइंड ओके सो एक छोटा सा क्रेडिबिलिटी आपको देता हूँ कि जो सेम सोर्स मैंने यूज किया था अपनी प्रिलिम्स के लिए एंड आई हैव क्लियर द प्रिलिम्स ट्वेंटी थ्री सेम सोर्स को यूज़ करके सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर दोज थिंग्स फॉर यू इन द लीस्ट टाइम पॉसिबल कोई ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे जो मेन्स के लिए है या फिर विच इज़ नॉट स्पेसिफिकली फॉर प्रिलिम्स तो हम लोग वी विल ट्राई टू टारगेट दैट साथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे ऐसा नहीं है कि आई जस्ट एल यू द रट्टा करने वाली चीज़ आई गिव यू द कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को किस तरीके से आपको समझना है सो so, Uh, ये मैंने कोर्स ओवरव्यू मैंने अपने पहले वीडियोस में बताई दिया था नाउ आई विल बी गिविंग यू द बेसिक्स राइट सो वी हैव टू गेट द बेसिक्स डन वेरी वेरी राइट अगर बेसिक सही नहीं है आपका तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम आने वाली है ठीक है दैट्स वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कवर द बेसिक्स बहुत अच्छे तरीके से इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बी ए लिटिल पेशेंट क्योंकि दिस इज गोइंग टू बिल्ड द पिलर एंड द फाउंडेशन फॉर योर अपकमिंग लेक्चर्स ठीक है तो बेसिक बिल्ड करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले वी विल ट्राई टू तो फाइंड आउट कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है वट इज़ योर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन राइट सुना होगा नाम आपने ऑब्वियसली इसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इसका मतलब ये होता है कि वो लोग हु प्रोवाइड्स इनपुट एनी काइंड ऑफ इनपुट टू तो, तो द प्रोडक्शन प्रोसेस मान लिया कि मेरे पास एक कोई फर्म है मैंने मेरे पास एक फैक्ट्री है फैक्ट्री लगाने के लिए मेरे को जमीन चाहिए सो बाय लैंड या जमीन खरीद लूंगा या फिर जिसकी जमीन होगी मैं उसको रेंट पे लूंगा ठीक है तो उसको उसके बदले में मैं क्या दूंगा कोई बंदा होगा जिसकी जमीन होगी तो उस बंदे को जिसकी जमीन है ज़मीन है उसको मैं ये रेंट जो है ये मैं रेंट दे दूंगा ठीक है कोई बंदा होगा जो लेबर की तरह मेरे यहां काम करेगा उस बंदे को मैं रिटर्न में क्या दूंगा वेज दूंगा ठीक है अब मान लिया बैंक से मैंने लोन लिया ठीक है लेट से बैंक है या कोई भी एक्स वाई जेड कोई पार्टी है जिससे मैंने लोन लिया है कैपिटल लिया है उसको मैं उसके बदले क्या दूंगा उससे मैं उसको इंटरेस्ट दूंगा दूंगा राइट right. अब मान लिया कि जो इंटरप्राइज मालिक है उसका ठीक है उसको क्या मिलेगा इसके बदले तो जो मालिक है इसका उसको 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 क्या मिलेगा उसको जो उसको मिलेगा जो कंपनी प्रॉफिट प्रॉफिट करेगी तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस बंदे की लैंड थी उसको जो रेंट मिला है वो उसके लिए इनकम का सोर्स है राइट right? ओके okay. जिसका जो लेबर जिस बंदे ने लेबर किया उसके लिए इनकम का सोर्स उसका वेज है जो उसकी सैलरी है जो उसको ये मिलेगा ठीक है अच्छा जिसने मान लिया बैंक ने जिस बंदे ने कैपिटल लोन दिया उसको इंटरेस्ट मिला तो क्या उसके लिए इनकम नहीं हुआ ये? हुआ अब जिस बंदे ने फैक्ट्री लगाई जो उसका मालिकाना हक है उसके लिए इनकम क्या हुआ जो इसका प्रॉफिट हुआ तो किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ लोग ऐसे हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं उनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी जो इनकम होती है वो रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट के फॉर्म में होती है ठीक है तो इतना समझ में आया कि वो कंट्रीब्यूट करते हैं बदले में उनके पास कुछ ना कुछ इनकम हो जाती है तो दो चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये लोग हैं और इनको बदले में इनकम मिल रहा है अब वाई आई एम स्ट्रेसिंग मोर ऑन द इनकम क्योंकि जब जी डी पी पढ़ेंगे तो जी डी पी को कैलकुलेट करने का एक मेथड होता है आपकी इनकम मेथड तो उस टाइम हम यही बोलेंगे कि इनकम अर्नड बाई द ऑल फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लैंड लेबर कैपिटल uh, एंटरप्राइज इन लोगों को कितना इनकम आया अगर ये इनकम कैलकुलेट कर लें तो मेरी जीडीपी कैलकुलेट हो जाएगी अल्टेली टेल यू इन जीडीपी चैप्टर की किस तरीके से ये होता है ठीक है अभी से भी इतना समझ लो कि इनको इनकम मिल रहा है एंड दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग समथिंग टू द प्रोडक्शन प्रोसेस इनपुट देते हैं बेसिकली ये लोग ठीक है इनपुट दे रहे हैं ओके नाउ कमिंग टू द सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी देखो इकॉनॉमी के सेक्टर्स कुछ होते हैं इकॉनॉमी को हमने सेक्टर में डिवाइड कर रखा है पहला है ऐसा सेक्टर जो सिर्फ कंज्यूम करता है ठीक है उसको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है जैसे हम लोग घर में कंज्यूम करते हैं तो इसलिए इसको हाउस होल्ड सेक्टर बोलते हैं घर पे जो भी चीज़ लाओगे चीनी लाओगे आटा लाओगे दाल लाओगे तो उससे खुद को कंज्यूम करोगे ना कि उसको जाके बेचोगे तो यहाँ पे हमेशा आपको फाइनल गुड मिलता है कंजम्पशन यहाँ पे इकोनॉमिक प्रोसेस एंड हो जाता है ठीक है कंजम्पशन जहाँ पे हो गया वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड हो गई ठीक है नाउ सेकेंड सेक्टर इज योर गवर्नमेंट सेक्टर अब गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है गवर्नमेंट सेक्टर कंज्यूम भी कर सकता है गवर्नमेंट सेक्टर आगे आगे सेल भी कर सकता है ठीक है अच्छा थर्ड इज योर इन प्राइवेट सेक्टर ठीक है ये मैं बाद में समझाऊंगा विल विल आई कम बैक टू दिस कि यहां पे मैंने इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गुड क्यों लिखा है ठीक है आई विल कम बैक टू दिस आफ्टर फाइव मिनट्स ओके नाउ द फोर्थ सेक्टर इज योर एक्सटर्नल सेक्टर तो बेसिकली अगर मैं एक इकोनॉमी का ये पिक्चर बनाऊँ तो इकोनॉमी को हमने कुछ चार पार्ट में डिवाइड कर लिया है सी जी एंड आई एन एक्स ये चार सेक्टर में इकॉनॉमी को हमने डिवाइड कर लिया ये लोग क्या करते हैं ये सेक्टर बाई सेक्टर इकोनॉमी को हमने डिवाइड किया हुआ है

कि यहाँ पर और एक और चीज इमेजिन करो हाइपोथेटिकली कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ मैगी का ही प्रोडक्शन हो रहा है मैगी के अलावा और कुछ बन नहीं रहा इंडिया में ठीक है सिर्फ मैगी बना रही है लोग ठीक है ठीक है भैया अब इंडिया में जिस जगह पर मैगी बन रही है उसके लिए लैंड चाहिए होगा मान लो कि वो लैंड किसी एक ही बंदे की है ठीक है ओके वेल एंड गुड तो उस बंदे ने उसको लैंड लैंड दे दिया ठीक है अब इंडिया में सिर्फ मैगी बन रही बन रही बन रही है नाउ ऑब्वियसली बनाने के लिए सो आर मेनी लेबर्स विच आर इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ मैगी ओके नाउ कैपिटल अब मशीनें लगानी लगानी मशीनरी लगा है तो कैपिटल तो कहीं से चाहिए तो बैंक इंटरप्राइज मान लो कोई एक बंदा है पूरे इंडिया को ओन कर रहा है और वो सारी फैक्ट्री यूज की है और वो मैगी ही सिर्फ बना रहे वेल गुड okay? well अब जैसा कि हमने समझा था कि ये जो फैक्ट्री प्रोडक्शन वाले हैं ये लोगों को रिटर्न में क्या मिलता है इनके लिए इनकम क्या होता है रेंट वेज इंटरेस्ट और प्रॉफिट ओके नाउ कम बैक हयर जिसने जमीन दी उसको क्या मिलेगा बदले में इंडिया उसको क्या देगा रेंट देगा जिस जो लेबर काम करे उनको क्या मिलेगा बदले में वेज मिलेगा जिन जिसने कैपिटल दिया उसको इंटरेस्ट मिलेगा एंड जिसने इंटरप्राइज दिया उसको क्या मिलेगा उसको प्रॉफिट मिलेगा क्लियर है ओके okay. नाउ इतना इन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया जो इनपुट दिया है इस इनपुट के बाद हमारा कुछ प्रोडक्शन हो गया ओके okay. प्रोडक्शन हो गया राइट right? ओके okay. तो प्रोडक्शन हो गया हमारा इनपुट के बाद एक मिनट हो इनपुट के बाद मेरा क्या हो गया यार यहाँ पे फिर एक मिनट इनपुट के बाद मेरा यहाँ पे क्या हो गया प्रोडक्शन हो गया राइट अब इस प्रोडक्शन में मैंने कुछ गुड्स प्रोड्यूस किया कुछ सर्विस प्रोड्यूस किया बट मैगी की बात कर हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं तो हम सर्विस इमेजिन नहीं करेंगे इन जनरल जब भी प्रोडक्शन होता है तो गुड्स भी होता है सर्विस भी होता है दोनों होता है दैट इज वाई हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाते हैं दोनों लगाते हैं ठीक है ठीके? बट अभी फिलहाल के लिए हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं आप एक पल को भूल जाओ कि हमारे पास सर्विस भी है मान लो कि सिर्फ गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है और सिर्फ और सिर्फ मैगी प्रोड्यूस हो रहा था ठीक है अब मैगी मेरे पास दो तरीके की मैगी है एक है मेरा कंजम्पशन गुड वाली मैगी एक है इंटरमीडिएट गुड़ वाली मैगी इसका क्या मतलब है एक मैगी पे मैंने टैग लगा दिया कि ये मैगी सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन के लिए ही है अगर आप ये मैगी खरीदते हो तो इसको सिर्फ घर पे ले जाकर आपको कंज्यूम करना है आप इसके आगे कुछ नहीं कर सकते मतलब कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी वंस यू बाई इट ये गुड जो मेरा मैगी आया यहाँ पे, मेरा है यहाँ पर ये मान लो मेरा एम है राइट मैगी फॉर कंजम्पशन है ठीक एंड दिस इज़ योर एम मैगी फॉर इंटरमीडिएट ठीक है नाउ दिस मैगी हैज टू बी कंज्यूम वंस यू टेक इट होम सो दिस इज वट इज योर कंजम्शन गुड अब इसको मोस्ट लाइकली कौन खरीदेगा हाउस सेक्टर खरीदेगा खरीदेगा ना हाउस सेक्टर ओके अब इंटरमीडिएट गुड मतलब दूसरे तरह की जो मैगी है दैट इज यो इंटरमीडिएट गुड ना वट इट मीन्स कि आप इस मैगी को यूज करके मे बी यू कैन यू ओन अ रेस्टोरेंट मे बी यू ओन अ रोड साइड टपरी राइट right. तो आप इस मैगी को यूज करके यू कैन मेक कुक समथिंग एंड यू कैन सेल इट दस रुपए की मैगी अगर चौदह रुपए की मैगी खरीदी है मैंने चालीस रुपए मैगी बेचा बनाकर तो वट आई डिड आई एडिड सम वैल्यू टू इट एंड इस अब जाके यहां पे कंज्यूमर इसको कंज्यूम करेगा यहाँ एंड देन यहां पर जाके प्रोडक्शन एंड होगा बट अगर मान लिया ये चौदह रुपए की मैगी है और सीधा कस्टमर ने खरीद लिया और यहीं पर एंड हो गया ये प्रोसेस समझ लो इकोनॉमिक प्रोसेस यहाँ पर एंड हो गया तो अगर यहाँ पर एंड हो गया तो इस केस में ये मैगी जो थी कौन सी थी कंजम्पशन गुड वाली मैगी थी और ये अगर आगे बढ़ गया थोड़ा सा एक लाइन और आगे बढ़ गया प्रोडक्शन में तो आगे उसने और और कुछ वैल्यू एड किया और आगे पास करके बना के कुछ फाइनल कंजम्पशन करके बेचा तो इसने क्या करा है? एक इकोनॉमी एक्टिविटी और एड कर दी तो इस केस में हम क्या बोलेंगे इंटरमीडिएट क्योंकि बीच बीच में ये मैगी यूज हुई है इकोनॉमिक दो इकोनॉमिक प्रोसेस के बीच में यूज हुई है ठीक है एज एन इंटरमीजिएट यूज़ हुई है इसलिए इसको हम इंटरमीडिएट गुड़ भी कहते हैं राइट सॉन मैगन ओके नाउ कमिंग टू दिस सॉरी यार या जस्ट अ सेकंड ओके आई एम रिमूविंग दिस बिकॉज आई हैव टू सेंड दिस अपलोड दिस इन द डिस्क्रिप्शन फॉर योर रेफरेंस ठीक है नाउ कमिंग टू दिस क्या होता है कि परचेज आप मान लो कि ये मैगी यहाँ से कंजम्पशन गुड भी हो गया इंटरमीडिएट गुड भी हो गया इसको परचेज कौन करेगा कोई तो खरीदने वाला होगा तो मैंने कहा कंजशन वाला हाउस होल्ड कर सकता है घर वाले खरीद सकते हैं तो यहां पे ये मेरा सी जो है हमने यहाँ पढ़ा था कि जो सी वाला किसको कहते हैं सिंबल है फॉर हाउस होल्ड सेक्टर तो ये हाउस होल्ड वाले मेरा खरीद सकते हैं ठीक है और कौन खरीद सकता है कल को गवर्नमेंट आके नहीं कह सकती क्या कि मैगी मेरे को लोगों को मैगी फ्री में बांटना है तो गवर्नमेंट आगे खरीद सकती है ठीक है अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाला प्राइवेट सेक्टर है कल को प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं कह सकता क्या कि हमें भी खरीदना है मैगी हमें आगे कुछ प्रोडक्शन करना है ये मैगी हमें लेके आपसे बेचना है तो वो भी ले सकता है अब कोई दूसरी कंट्री आके हमसे कह सकती है कि भाई मैगी हमको एक्सपोर्ट कर दो वो भी कर सकते हैं हम ठीक है तो ये लोग खरीदेंगे फाइनली सो दीज आर द पीपल हु विल बाईट फ्रॉम अस एंड दे विल डू सम एक्सपेंडिचर खर्च करेंगे हम कोई गुड लेंगे तो पैसा भी तो देंगे दे लिव अस मनी सो दट दे विल डू दे विल डू एक्सपेंडिचर तो ये जो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है ये क्या करता है ये सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो है ये एक्सपेंडिचर करता है ये यहां तक अभी याद आ गया ना आपको तो आपको जीडीपी समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है तो इतना याद रखना कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है ये क्या करता है ये एक्सपेंडिचर करता है राइट right? और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये क्या करता है ये इनकम करता है इसीलिए हम जब जीडीपी पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड जब एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे तो हम क्या कहेंगे कि भैया खर्चा किसने किसने किया तो खर्चा तो इसने किया है घर वालों ने किया है गवर्नमेंट ने किया है प्राइवेट ने किया है एक्सटर्नल ने किया है इन्होंने जो खर्चा किया और खर्च किस चीज़ में किया खर्च किया है जो गुड्स एंड सर्विस बने हैं कंट्री में ठीक तो है अब अगर ये गुड्स एंड सर्विस बनने में खर्च कर रहे हैं और मेरे को जीडीपी निकालना जी डी क्या है कि कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ तो जो प्रोड्यूस हुआ उसको इन्होंने खरीद लिया है तो किसी तरीके से मैं ये ये कैलकुलेट कर लूँ कि इन्होंने खर्चा कितना किया है तो वह तो इक्वल ही होगा ना जितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है जितना प्रोड्यूस हुआ है इन्होंने खरीद लिया तो इन्होंने जितना खर्चा किया है अगर मैं किस तरीके से ये फाइंड आउट कर पाऊँ तो आई विल बी एबल टू फाइंड आउट कि जीडीपी कितनी है कंट्री की तो इसलिए अगर मैं इसलिए इसको एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं कि एक्सपेंडिचर बाय द सेक्टर्स ऑफ द इकोमी अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूँ तो आई विल बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट द जीडीपी ऑन द अदर हैंड जो इनकम मेथड होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कि अब ये इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया अब इनको जो बदले में मिला देंगे तो उतना ही ना जितना हम प्रोड्यूस करेंगे तो इनका इनकम जितना हुआ आर एबल टू कैलकुलेट द इनकम अर्न बाय द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देन आल्सो वी कैन कैलकुलेट द जीडीपी इस जीडीपी डी पी के दो मेथड्स है इनकम एंड एक्सपेंडिचर थर्ड मेथड भी है वैल्यूटेड हम बांधने पड़ेंगे okay. Now, यहाँ तक चीज़ें क्या क्लियर हुई कि हमारे पास फैक्टर प्रोडक्शन चाह रहे है सेक्टर ऑफ इकॉनॉमी चार है फैक्टर प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करता है इकॉनमी में इनपुट देता है सेक्टर ऑफ इकॉमी वो जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होती है उसको बाय करता है परचेस करता है एंड इन डूइंग सो वो एक्सपेंडिचर करता है ठीक है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कॉन्ट्रीब्यूट करता है उसके बदले में उसको इनकम होता है राइट तक ये क्लियर हो गया और ये प्रोडक्शन पूरा का पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस है गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस गुड्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स कंजम्पशन गुड जो कि फाइनल आप कंज्यूम करते हो एंड हो जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी दूसरा एक इंटरमीडिएट गुड जो कि आगे भी पास हो जाता है इकोनॉमिक प्रोसेस में ठीक है एज एन इंटरमीजियट गुड यूज होता है फिनिश गुड यूज नहीं होता ओके राइट अब ये वही चीज है कि लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज इसको इनकम के फॉर्म में हम यहाँ पे लेते हैं right? राइट उंड कम यर इ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट की कैपिटल गुड और इन्वेस्टमेंट में क्या भी क्या कनेक्शन है राइट नाउ अंडरस्टैंड दिस इन्वेस्टमेंट हम कहते हैं यार बहुत जनरल लैंग्वेज में बट इकोनॉमी में इट्स अ वेरी वेरी टेक्निकल टर्म इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल गुड आर यूज एज अंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट बोले तो कैपिटल गुड के बराबर ही होता है ऐसा इन जनरल हम मानते हैं ठीक है इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल गुड हम सेम मानते हैं ओके समझ में आ रही है आपको क्यों कह रहे हैं अंडरस्टैंड दैट लेट से फॉर एग्जाम्पल आपके पाँच सौ रुपए थे ठीक है पाँच सौ आप मे बी यू गो टू हिमाचल और सम हिल स्टेशन ठीक है मनाली चले गए आप तो मनाली जाने के बाद बड़ी डेट की दो सौ रुपये का आपने खुद पर मील ले लिया पाँच सौ रुपया ही था आपके पास दो सौ रुपये खुद का खाना खाया ओके okay? एंड तीन सौ रुपये आपने क्या करी कहा कि चलो यार यहाँ मैगी बहुत बिकती है यू बॉट मैगी एंड उस मैगी को आपने कुक किया एंड कूक करके यू सोल्ड दैट मैगी राइट अप सी वट इज एक्चुअली ये थोड़ा सा एग्जाम्पल एग्जैक्ट तो नहीं है टेक्निकली बट फिर भी आपको समझाने के लिए क्योंकि मैगी एक्चुअली यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया सो इट इज़ नॉट अ कैपिटल गुड इट्स एन इंटरमीडिएट गुड ठीक है बट फिर भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया ताकि आपको अच्छे समझ में आए ठीक है लेटर ऑन ऑल क्लियर इट बट ठीक है अभी के लिए इतना समझो आप कि इसने मैगी को लिया ठीक है अब मैगी लेके इसने कुक किया कुक करके आगे बेच दिया सो वट ही डिड वॉज की ही एडिड सम वैल्यू इन द मैगी एंड ही डिड नॉट कंज्यूम द मैगी सो so उससे सो क्या हुआ कुछ प्रॉफिट हो गया राइट right? सो वट इज हैपनिंग इज दैट कि डोंट यू थिंक कि ये काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट है ठीक है इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा ट्विक करता हूँ क्यों मैं बताता हूँ उसके पीछे का रीजन आपको कि देखो यार यहां पे ना उसके पहले हम इसको देख लेते हैं कैपिटल गुड और इन्वेस्टमेंट ठीक है एंड सेविंग्स मतलब क्या है कि कैपिटल गुड और इंटरमीडिएट गुड में एक छोटा सा स्लाइट डिफरेंस होता है एंड विच इज अ वेरी वेरी टेक्निकल डिफरेंस मतलब क्या होता है ना कि कैपिटल गुड और इंटरमीडिएट गुड दोनों के दोनों बीच में ही यूज होते हैं यहाँ तक तो सेम है ठीक है दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये मैगी को हम कैपिटल गुड नहीं बोल सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं बोल सकते ठीक है ये एक टेक्निकल एरर है ठीक है क्यों नहीं बोल सकते हैं? बताता हूँ क्योंकि कैपिटल गुड जो होता है वो फिक्स होना चाहिए ठीक है और ये डोंट ये शुड नॉट गेट डिस्ट्रॉयड और चेंजेस फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि अगर मैंने मैगी लिया मैगी को बना दिया और मैगी को मैंने कस्टमर को बेच दिया ठीक है तीन की मैगी मैंने अगर बेच दी तो दोबारा मैगी तो बची नहीं मेरे पास तो मतलब मैगी तो डिस्ट्रॉय हो गई that is why it is just an intermediate good it is not a capital good ठीक है इसलिए मै को यहाँ पे लिखना टेक्निकली राइट नहीं है ठीक है मैं डिप में जाकर आपको बता रहा हूँ. ठीक है अब कैपिटल गुड को इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं लेकिन इंटरमीडिएट गुड को इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे ऑलवेज रिमेंबर क्यों भाई क्योंकि वो आगे जाकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इस मैगी को हम नहीं कहेंगे अब इसको एग्जांपल को थोड़ा सा ट्विक करते हैं And हम ये कहते हैं कि इसने तीन सौ रुपए का मैगी ना लेके ही बॉट अ केटल ऑफ थ्री हंड्रेड रुपीज ठीक है अब इस केटल को क्या बोलेंगे हम इस केटल को हम लोग क्या बोल सकते हैं इट एज अ कैपिटल गुड क्यों क्योंकि इस केटल में वो जितनी चाहे उतनी मैगी बना सकता है एंड केटल विल नॉट बी केटल अपना फॉर्म चेंज नहीं करेगा केटल केटल ही रहेगा एंड केटल भी डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा इसलिए केटल को हम कैपिटल गुड करेंगे क्योंकि इसको यूज करके आगे और प्रोडक्शन किया जा सकता है सो so, कैन आई से कि इट इज काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट क्यों क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट में मैं जो कैपिटल गुड उसने कैटल लिया उससे और प्रोडक्शन होगा और पैसा बनेगा इसलिए इसको हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे ठीक है वेर हैज ये जो दो सौ रुपए की मील खाइ खा के खत्म हो गया तो इसको हम एक्सपेंडिचर कहेंगे इसका खर्चा है ना कि इसका इन्वेस्टमेंट है तो एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क हुआ एक्सपेंडिचर मतलब कि कंजम्पन हुआ इकॉनॉमी एंड हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड हो गई वेयर एज इन्वेस्टमेंट से इकोनॉमिक एक्टिविटी जो स्टार्टेड वह आगे जाके और कंटिन्यू होगी ठीक है इसीलिए हम क्या कहते हैं इसलिए हम हमेशा यह कहते हैं कि जी डी पी के लिए कैपिटल गुड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों क्योंकि जितना कैपिटल गुड होगा मान लो कि देर आर मेनी ट्रैक्टर्स जितने ज्यादा ट्रैक्टर होंगे जितने ज्यादा ट्रैक्टर होंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा राइट right? उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही मेरा जीडीपी बढ़ेगा जीडीपी होता क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ तो प्रोडक्शन ही तो है बेसिकली तो ज्यादा कैपिटल गुड मतलब मोर प्रोडक्शन तो एक चीज हमेशा याद रखना रेमर दिस जो कैपिटल गुड होता है कैपिटल गुड अगर बढ़ेगा तो जी भी बढ़ेगी क्यों बढ़ेगा क्योंकि प्रोडक्शन में न बढ़ रहा है बिकॉज प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग राइट तो इस इक्वेशन को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ओके ओके सो यहां तक क्या क्लियर हुआ कि कैपिटल गुड और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है कोई डिफरेंस है दोनों को इंटरचेंजेबली हम यूज कर सकते हैं बिकॉज जितना इन्वेस्टमेंट हम करेंगे वो कैपिटल गुड ही होगा ठीक है क्योंकि अगर मान लिया कि, कि किसी मैं इसको एक एग्जाम्पल सवार क्लियर करता हूं आपको ठीक है ये ये कैपिटल गुड इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बीच में क्वेश्चन आर बींग आस्ट और इस पर क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है एंड ऑफ टेन स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज इन दिस ठीक है तो पहले समझो इसको क्या होता है इट्स फॉर एग्जाम्पल सेविंग क्या है मेरे पास पैसे हैं मैंने बैंक में डाल दिए वो सेविंग हो गया मेरा ठीक है अब बैंक ने क्या किया बैंक ने आपको किसी को लोन दिया ठीक है उस लोन से मैंने क्या किया मैंने ट्रैक्टर्स खरीद लिए या फिर कुछ ऐसी चीज खरीद ली जो जिससे मेरा फर्दर प्रोडक्शन बढ़ सके मैंने मशीनरी खरीद ली ठीक है मैंने फैक्ट्री सेटअप करी मशीनरी खरीद ली उस मशीनरी को यूज करके मैंने फर्दर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को मैंने आगे बढ़ाया जिससे मेरा प्रोडक्शन बढ़ा मेरी जी बढ़ी ठीक है तो इसीलिए ऐसा कहते हैं इसलिए हम लोग गवर्नमेंट हमें ये ये कहते हैं कि इंकरेज करती है कि, करती कि अपनी बैंकिंग हैबिट्स को बढ़ाई हुआ है बिकॉज बैंकिंग हैबिट बढ़ेगी तो पीपल विल स्टार्ट सेविंग मोर इन द बैंक्स इफ बैंक हैव मोर मनी देन बैंक विल स्टार्ट लेंडिंग मोर मनी इफ द कंपनीज विल लेंड मोर मनी फ्रॉम द बैंक दे विल बाय मोर कैपिटल गुड्स एंड मोर कैपिटल गुड्स मतलब कि मोर इन्वेस्टमेंट मोर इन्वेस्टमेंट मोर कैपिटल गुड मोर कैपिटल गुड मतलब मोर प्रोडक्शन मोर प्रोडक्शन मतलब कि जी में इंक्रीज होगा ठीक है इसीलिए हम सेविंग्स को इंक्रीज करना चाहते हैं दैट इज वाई सो वट इज द रिलेशन बिटवीन सेविंग्स इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल गुड्स कि सेविंग अगर ज्यादा है तो बैंक के पास पैसे ज्यादा बैंक के पास पैसे ज्यादा मतलब कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा इन्वेस्टमेंट ज्यादा तो मतलब इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कैपिटल तो गुड क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही कैपिटल गुड खरीदेंगे हम और क्योंकि पैसा मैंने जो खर्च किया अगर वो कैपिटल गुड नहीं खरीदा है तो उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे उसको एक्सपेंडिचर बोलेंगे समझ आ रही बात मान लो कि बैंक ने चार सौ करोड़ रुपए दिए उस चार सौ करोड़ में से उसने सौ करोड़, सौ करोड़ का इंटरमीडिएट गुड खरीद लिया और तीन सौ करोड़ का उसने कैपिटल गुड खरीदा तो बताओ इन्वेस्टमेंट क्या होगा इन्वेस्टमेंट तीन सौ करोड़ ही होगा क्योंकि जितने का कैपिटल गुड है उतनी को इन्वेस्टमेंट मानेंगे बाकी का सौ करोड़ जो इंटरमीडिएट लिया है उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम एक्सपेंडिचर के फॉर्म में काउंट करेंगे क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि वो आगे फर्दर मीन प्रोडक्शन में यूज हो कैपिटल का मतलब है कि वो आगे यूज हो रहा है इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इकोनी मोर एंड मोर इन विथ एवरी साइकिल ऑफ प्रोडक्शन ठीक है इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं हमेशा याद रखना कि जब भी इन्वेस्टमेंट की बात हो इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल गुड आर यूज इनोनिमसली इंटरचेंज करके यूज करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि उसी चीज को इन्वेस्टमेंट बोलेंगे जो कैपिटल गुड हुआ क्यों कैपिटल गुड हुआ कैपिटल गुड क्योंकि बाकी बार बार यूज हो सकता है प्रोडक्शन में राइट गॉट इट क्लियर सेविंग ज्यादा बैंक के पास पैसे ज्यादा पैसे ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा इन्वेस्टमेंट ज्यादा तो कैपिटल गुड ज्यादा कैपिटल गुड ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा तो भाई जीडीपी ज्यादा इसलिए हम सेविंग को इनकरेज करते हैं बहुत बार बता दिया मैंने एंड आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू राइट नाउ दिस कैपिटल गुड एंड इन्वेस्टमेंट वी ऑलरेडी टॉक्ट अबाउट इट कि दोनों को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं क्योंकि कैपिटल गुड और इन्वेस्टमेंट हम लोग कहीं लिखा हो आपको समझाना है राइट नाउ कमिंग टू द प्रोडक्टिविटी एंड आईसीओ प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है इन जनरल प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है योर आउटपुट अपॉन इनपुट राइट कि किसी कोई चीज का प्रोडक्टिविटी कितना ज्यादा है तो कितना आउटपुट निकला और कितना मैंने इनपुट दिया था कितना मैंने निकाल पाया और कितना मैंने दिया था इसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं प्रोडक्टिविटी ठीक है मान लो कि आ, मैं बीस रुपए मान लो मैं ना फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सौ पचास निकाल पाया और मेरा इनपुट जो था मैंने सौ रुपए के इन्वेस्टमेंट से एक सौ रुपए निकाल पाया मैं तो मेरा प्रोडक्टिविटी कितना हो गया इट्स लाइक की वन राइट वन पॉइंट फाइव इज मेरी प्रोडक्टिविटी दैट इज ग्रेटर देन वन ठीक है तो मतलब क्या हुआ मेरा ये आउटपुट अपॉन इनपुट का जो रेशियो है आउटपुट अपॉन इनपुट का जो रेशियो है इट इज ग्रेटर देन वन मतलब मेरा इसको मैं इधर लेके जाऊं इसको इधर लेके जाऊं तो मेरा आउटपुट क्या हो गया इनपुट से ज्यादा हो गया तो जितना मैंने डाला था उससे ज्यादा मैंने कमा लिया दैट इज इसको क्या बोलूंगा मैं प्रोडक्टिविटी मेरी हाई है एक से ज्यादा है प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी मेरी हाई है राइट ओके नाउ कमिंग टू द आईसी ओ आर आईसी ओवर क्या होता है पहले यह समझो इसको बोलते हैं क्या आ, उसके पहले एक और चीज समझो प्रोडक्टिविटी के बाद एक और चीज होती है उसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ठीक है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि चेंज इन आउटपुट डिवाइड बाई चेंज इन इनपुट मतलब कि अगर मैं अपने आउटपुट को ठीक है किसी यूनिट से चेंज करूँ तो मेरे इनपुट में क्या डिफरेंस आएगा ठीक है मतलब कि आउटपुट और इनपुट में क्या डिफरेंस है मेरा इनक्रीज इसको क्या बोलते हैं ना कि मार्जिनल क्या इनक्रीज हुआ आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ कि, कि अगर मैं अपने लेट्स फॉर एग्जाम्पल अपने इनपुट को मान लो मैंने फर्टिलाइजर जर डाला है उससे मेरी प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई ठीक है तो कितना फर्टिलाइजर मैंने एक्स्ट्रा डाला उसके हिसाब से कितना ज्यादा प्रोडक्शन एक्स्ट्रा हो गया इसको हम क्या बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ठीक है इसी का रेसिप्रोकल अगर हम कर दें इसको उल्टा कर दें इसको ऊपर ले जाएं और इसको नीचे ले ठीक है तो इसको क्या बोल सकते हैं इसको बोलेंगे कि चेंज इन इनपुट डिवाइड बाई चेंज इन आउटपुट ठीक है अब मैं अगर इनपुट को मैं कैपिटल में से इन रिप्लेस कर दू कर सकता हूं कि नहीं कैन आई डू दैट कैन डू दैट वाई क्योंकि कैपिटल भी दो काइंड ऑफ एन इनपुट है हमने जो यहाँ पे कैपिटल देखा था हमने जो कैपिटल देखा था यह तो कैपिटल इनपुट ही तो है सो कैपिटल इज बना इनपुट राइट सो यहां पर मेरा कैपिटल इनपुट सो मैं अगर इनपुट को जगह कैपिटल लिखूं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कैपिटल इज ऑल्सो इन इनपुट तो मैं यहां पर चेंज इन कैपिटल अगर लिख दू कोई दिक्कत नो प्रॉब्लम राइट नउ चेंज इन आउटपुट अब ये रेशियो अगर हाई है इसका क्या मतलब होता है अगर रेशियो हाई है मतलब क्या कि आउटपुट में चेंज कम हुआ और इनपुट में चेंज ज्यादा हुआ मतलब ऊपर वाली क्वांटिटी मेरी बड़ी होगी ये ओवरऑल अगर बड़ा आ रहा है तो मतलब ऊपर वाला मेरा बड़ा है कैपिटल बड़ा है ज्यादा कैपिटल लगा और इनपुट मेरा कम हुआ इसी को कहते हैं आईसी ओ आर इंक्रीमेंटल कैपिटल टू आउटपुट रेशियो ये तो कैपिटल टू आउटपुट रेशियो है इंक्रीमेंटल का मतलब है कि दोनों में चेंज कितना हुआ कि अगर मान लो मैंने कैपिटल को मैंने पाँच लाख रुपये कैपिटल था मेरा मैंने उसको एक लाख एक्स्ट्रा कर दिया तो उस एक एक लाख एक्स्ट्रा करने से इस मान लो कि मेरा पाँच लाख रुपए का कैपिटल पहले था तो पाँच लाख में ना मेरा दस लाख का का आउटपुट हो रहा था ठीक है पाँच लाख के कैपिटल पे दस लाख का आउटपुट हो रहा था अब मैंने क्या किया पाँच में एक ऐड कर दिया एक लाख मैंने इसमें ऐड कर दिया इसको ऐड करने के बाद मेरा ये जो कैपिटल हुआ ना ये बारह लाख रुपये का हुआ ठीक है ये आउटपुट हुआ बारह लाख रुपए का हुआ अब मैं अगर यहां से आईसीओ आर कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा कैलकुलेट देखना अब यहां से कैलकुलेट करना होगा मेरे को आईसीआर तो मैं क्या बोलूंगा आई विज से कि चेंज इन कैपिटल कितना हुआ तो फाइनल कैपिटल इनिशियल कैपिटल तो ये सिक्स माइनस फाइव राइट अब चेंज इन आउटपुट कितना हुआ तो फाइनल आउटपुट इज बारह लाख इनिशियल आउटपुट इज टेन लैक्स दैट इज वन बाई दैट इज वॉट इज योर वन बाई टू सो इट इज वॉट इट इज जो मैथमेटिक्स कहता है कि इट्स मोर एंड मोर इज डिजाइरेबल इसका मैथमेटिक्स कहता है कि लेस इज डिजाइरेबल क्यों कह रहा है क्योंकि देख लो अगर अगर कैपिटल टू आउटपुट इज लेस देन वन ठीक है तो देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे कैपिटल अपॉन आउटपुट इज लेस वन तो इसका क्या मतलब होता है कि कैपिटल इज कि कैपिटल कम लगाए और आउटपुट ज्यादा आ गया तो यही तो हम चाहते हैं कि कम इनपुट लगे कम इन्वेस्टमेंट हो और मेरा आउटपुट ज्यादा आ जाए यही तो हमारा गोल होता है ना तो इस चीज को बोलते हैं क्या इफिशियंसी ज्यादा है मेरे फर्म की कि अगर मेरा आईसी सी कम है तो मेरा फर्म ज्यादा इफिशियंट है कि मैं कम कैपिटल में भी ज्यादा आउटपुट निकाल पा रहा हूँ तो यहां से एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखना है कि किसी भी फर्म के बारे में अब देखना एग्जाम्पल क्या रखना है कि किसी भी फर्म की प्रोडक्टिविटी हाई होनी चाहिए डिजायरेबल क्या है कि प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो मतलब ज्यादा हो ठीक है पहली चीज दूसरी चीज क्या है कि जो आई सी है वो मिनिमम मतलब हो मतलब कि लेस हो डिज़ायरेबल है डिजायरेबल क्या है प्रोडक्टिविटी ज्यादा डिजायरेबल है आईसीओ आर लेस डिजायरेबल दोनों एक दूसरे का उल्टा है क्योंकि हमने इसको रेसिप्रोकली तो किया है तो याद भी रखना है दस याद रखो यार कि दोनों को रेसिप्रोकली तो किया है और मैथमेटिकली तो मैंने बता दिया ग्रेटर देन वन लेस देन वन वाला ठीक है दिस इज वट इज योर आईसीओ आर इंक्रीमेंटल कैपिटल टू आउटपुट रेशियो अब देखो किसी भी इकोनॉमी में आईसीओ आर लेस इज डिजायरेबल हमारी इकोनॉमी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारा आईसीओ आर ज्यादा है इंडियन इकॉनमी की अक्का सी ओवर हाई है क्यों हाई है क्योंकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं है इसीलिए हमें ज्यादा कैपिटल लगता है ज्यादा मशीनें लगानी पड़ती हैं हमारी एफिशिएंसी कम है इकोनॉमी की इसलिए हमें ज्यादा कैपिटल लाते हैं तब जाके थोड़ा सा इनपुट इंक, आउटपुट इंक्रीज होता है इस बात को समझ रहे हो आप कि कितना मेरे को इंक्रीमेंटल कैपिटल टू आउटपुट रेशियो का मतलब हुआ कि कैपिटल और आउटपुट में कितना मेरे को कैपिटल बढ़ाना पड़ा कि मेरा आउटपुट इंक्रीज हो दोनों तो एक दूसरे के प्रोपोर्शन में कितना इंक्रीज हो तो लेस इज डिजायरेबल क्योंकि लेस कैपिटल डालो अब ज्यादा आउटपुट निकालो ये डिजायरेबल चीज है बट हमारे साथ क्या है कि हमें ज्यादा कैपिटल डालना पड़ता है तब जाके थोड़ा बहुत आउटपुट निकलता है ठीक है तो आई सी लेस इज डिजायरेबल ये स्टेटमेंट आया हुआ है प्रिलिम्स में एक बार और पूछा हुआ है कि आईसी ओवर ओ आर पूछे हुआ है प्रिलिम्स में सो यू कैन इट कैन बी आस्ट इन द एग्जाम कि आईसी ओवर लेस इज डिजायरेबल येस लेस इज डिजायरेबल वेर एज प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा हो वो डिजायरेबल है दोनों दूसरे का एंटी है उल्टा है ठीक है सो दिस विल बी फिनिशिंग आवर बेसिक लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर वन एंड टिल देन आई वुड विश यू गॉड स्पीड एंड uh, इसको रिवाइज कर लेना इसके नोट्स जो है वो अपलोड कर दूंगा मैं एंड इसको एक बार फिर से गो थ्रू इट एंड दीज कॉन्सेप्ट विल भी रिपीटेड अगेन एंड अगेन और दिमाग में आएगा ऑफकोर्स कुछ मिस्टेक्स इफ आई हैव सो आई अपॉलोजाइज इन एडवांस क्योंकि आई आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट बट ये आर ह्यूमन हेरर तो होता है इट्स वेरी नॉर्मल बट अगर कुछ है तो लेट बी नो इन द कॉमेंट्स एंड या आई विश यू ऑल द बेस्ट सो आई सी दी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ओके 拜拜。